नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेदांग धाराशिवे और हम लोग आज से एक नई मालिका शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिचय। इस मालिका का ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें शास्त्रीय संगीत के कलाकार जितने भी हैं उनके जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। तो आज के कलाकार है श्रीमती गंगूबाई हंगल। वर्ष 1913 में कर्नाटक के एक गाँव हंगल में जन्मी गंगूबाई को उनकी माँ ने सुर की शुरुआती शिक्षा दी थी। बाद में उन्होंने संगीत की शिक्षा किराना घराने के गुरु सवाई गंधर्व से ले ली। गंगूबाई ने अपनी कला के प्रदर्शन की शुरुआत किशोर अवस्था में मुंबई में स्थानीय समारोह और गणेश उत्सव में गायकी से की थी। शास्त्रीय संगीत को बेहतरीन योगदान देने के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें पद्मभूषण, तानसेन पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रमुख है। गंगूबाई अपने खास अंदाज और प्रस्तुति के लिए जानी जाती रहेगी। शास्त्रीय गायन के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं या जितने भी स्तंभ हैं, उन जब भी चर्चा होगी तो उनका नाम पहली श्रेणी में रखा जाएगा। जिसने भी उन्हें एक बार गाते सुना, वो पल उसे हमेशा साथ रहेगा। छोटी कद काठी की गंगूबाई की आवाज़ इतनी वजनदार और ठहरी हुई थी कि एक एक स्वर और कान पर हाथ रखकर खींची गई तान आसमान को भेद देती थी। श्री पंडित छन्नूलाल मिश्र उन्हें याद करते हुए कहते हैं, मुझे बहुत दुख है कि इतनी महान कलाकार गुजर गई। वे बहुत पुरानी कलाकार थी। उनकी गायकी का अंदाज बहुत बेहतरीन था, बहुत अलग। सबसे खास बात ये कि उनके गाने का और प्रस्तुति का तरीका बहुत गंभीर था। गंभीर और मर्दाना आवाज में वो गाती थी। उनको सुनते हुए ऐसा लगता था कि कोई पुरुष गा रहा है। उन्होंने बड़ी तपस्या की और इस मुकाम पर पहुंची। आधे से अधिक सदी तक भारतीय संगीत को अपने अनूठे अंदाज और दम से धनी करती गंगूबाई हंगल का जन्म एक केवट के परिवार में हुआ था। उनका कलाकार के रूप में सफर बहुत सारी चुनौतियों से भरा था। अपनी आत्मकथा में वो लिखती है कि किस तरह लोग उन्हें गाने वाली कहकर ताने मारा करते थे, कैसे उन्होंने जाति और लिंग बाधाओं को पार किया और किराना उस्ताद सवाई गंधर्व से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। गंगूबाई हंगल की गायकी की कई खास बेमिसाल बातों में से एक थी कि वे हर राग को धीरे धीरे खोलती थी, बिल्कुल जैसे सुबह की हर किरण पर एक एक पंखुड़ी खुलती हो। बहुत स्थिरता और गहराई के साथ उनकी गायकी की धार रसिकों को हमेशा कसक से भर देगी। तो ये था दोस्तों श्रीमती गंगूबाई हंगल के बारे में। आज यहीं पे रुकता हूँ। अगले एपिसोड में अगले नए कलाकार के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।